हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर शशांक एंड आज हम फिर से एक और नई वीडियो के साथ में आए हैं। तो आज हम उसी प्लेयर के साथ में जिनके साथ में हमने पहले वीडियो में जो आए थे, जिन्होंने गेस्ट अपीयरेंस दिया था। एंड यस, आज मुझे इनसे केवल ये जानना है कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी एंड आप अभी तक खेल रहे, कैसी रही जर्नी आपकी? स्टार्टिंग तो काफ़ी ड्रामेटिक थी। ओके। और एक स्कूल के इवेंट में मैं खेलने गया था, जहाँ पे उस इवेंट में हम लोग फाइनल तक पहुँचे थे, बट कहीं ना कहीं वो फाइनल हार गए थे। तो उस हार का जो एक जख्म रहता है वो दिल में कहीं ना कहीं चुभ गया, और उस जख्म को एक दिशा के तौर पे मेरे जो उस टाइम के स्कूल के टीचर्स थे, उन्होंने एक दिशा दी कि तू इस चीज़ में अच्छा कर सकता है और इसको आगे लेके जा। फिर मैं करीब, मुझे 15 से 16 साल हो गए हैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हुए, और मैंने दिल्ली के लिए अंडर 19 रिप्रेजेंट किया था 2011 में। उसके बाद थोड़ा सा अप होते होते फिर मेरा वहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हुआ, बट फिर मैं लास्ट में, अब जो मेरा इस टाइम का प्रेजेंट चल रहा है, मैं शेखर भैया के साथ जुड़ा और इन्होंने काफ़ी हेल्प किया है मेरे को ग्रूम करने में, मेंटल स्ट्रेंथ देने में, और अब अगले सीज़न के लिए प्रिपेयर करने में मेरा पूरा सपोर्ट ये कर रहे हैं। ओके, तो आपने बताया कि आपकी स्टार्टिंग ही एकदम ड्रामेटिक हुई थी, कि आपने बदला लेने के लिए आपने जो है वो कर दिया। बदला तो बचपन में था वो, हाँ, बट वो बदला पैशन में टाइम जब मैंने उस चीज को टाइम दिया और प्यार करना शुरू किया जब इस गेम को, तो बदला तो खत्म हो चुका था। फिर वो पैशन बन गया, वो प्रॉपर प्रोफेशन हो गया। अब एक ड्रीम है मेरा कि इंडिया के लिए खेलना है। ओके, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये अंडर 19 का वहाँ से दिल्ली से जब ये यहाँ पे आए उत्तराखंड, तो ये बोले कि इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, तो आपने इनको अपलिफ्ट करने में कैसे मदद की, किला कि ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये डाउनफॉल तो इनका बीच में पीरियड था, उसके बाद ये हार्डली 1.5 साल पहले हमसे मेरे से मिले, इन्होंने बताया कि मैं अंडर 19 दिल्ली खेल चुका हूँ। तो अमूमन पहले पहले तो ऐसा लगता है कि हर कोई अपने बारे में बोलता है, लेकिन जब ये किटअप हो गया, जब ग्राउंड के अंदर आके इसने वार्म अप स्टार्ट किया और उसके बाद जब ये खेलने लगा, तो कहीं जाके मुझे इसके अंदर वो स्पार्क दिखाई दिया कि यस, इसने पहले खेल चुका है, ये खेल चुका है और इसने वहाँ परफॉर्मेंस भी की होगी, जो कि बाद में मैंने गूगल सर्च, आजकल तो बहुत ईजी है, आप नेट पर सब सर्च कर सकते हैं, तो उसमें पता चला तेजेंद्र सिंह 100 ईयर पे खेला है और उसने ये परफॉर्मेंस दी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, इस ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे बैकअप करेंगे तो ये अपना नाम करेगा, एकेडमी का नाम करेगा, और एक इंडिया को अगर देखा जाए, बड़े लेवल के देखा जाए, बात करें तो इंडिया लेवल पे एक अच्छा खिलाड़ी हमें मिल जाएगा। ओके, तो अभी आपने मतलब कितना टाइम हुआ आपको मिले हुए इनसे? मेरे को 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल से आप इनको ट्रेन कर रहे हैं? 1.5 साल से ये हमारे पास आता है और रेगुलर है, सबसे बड़ी बात इसकी है रेगुलर है, जो टाइम बोला जाता है उस टाइम पे आता है। कभी ऐसा ऑफ होता है तो कोई तबीयत की वजह से ऑफ होता है, या कुछ इंजरी या कुछ ऐसा रहता है तो तभी ऑफ होता है। उसके बाद उसमें भी प्रायर नोटिस हमें दे दिया जाता है, इससे इसके द्वारा फ़ोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि मैं सो रीज़न से मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये रेगुलर 1.5 साल से आ रहा है, जो कि इसमें के गेम में भी दिख रहा है। गेम में दिख रहा है। ओके ओके सर, तो अभी मेरी इनसे बात हुई तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, जो अभी जो रणजी के इनके ट्रायल हुए थे, तो उसका क्या रीज़न रहा था एंड उससे ओवरकम कैसे करवाया, अभी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, रीज़न तो ये कहेंगे कि इन्होंने पूरा सीज़न, जो ट्रायल सीज़न था, जो ट्रायल रहा इनका फ्रॉम द डे 1 टू द डे जब ये बाहर हुए, तब तक इनका बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था, बल्कि प्रोबेबिलिटी मेरी तो ऊपर बात होती रहती थी कि सिलेक्टर्स वगैरह से जानकारी हम लेते ही रहते हैं, हमारा काम ही यही है, हमारा बच्चा गया तो हम उसके लिए बैकअप करेंगे। पता चला कि ही वॉज इन द प्रोबेबल्स, बट अनफॉर्चुनेटली ऑन द लास्ट डे इसको फीवर हो गया, हाई फीवर, और हाई फीवर के बाद भी इसने बॉल करा वहाँ पे, 104 फीवर पे ये बॉल कर रहे थे और अच्छा नहीं हो पाया, लैग करके इसलिए ये वहाँ से बाहर हो गए। तो उससे सबसे ज़्यादा जो इनका, रात को मेरे को फ़ोन आता है और मेरे को ये हो गया है, मेरा को बाहर कर दिया है और ऐसा वैसा, बहुत डिसहार्टेड थे। तो करीब करीब 1 घंटा इनसे बात की गई, इनके साथ बात हुई है, बात में मैंने इन्हें समझाया कि दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। अगर आप एक पीछे का एक बैकग्राउंड देखें, आप क्रिकेट बीच में ऑफ हो चुका है, उसके बाद आप वापस प्रिपेयर करके विद इन 6 to 8 months अगर आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, तो पूरा 1 ईयर अगर आप और अच्छे से करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे इसके बारे में आप भी नहीं जानते। ओके सर, ये तो बात हो गई इनकी। अगर हम ऑन एंड जर्नल अगर हम देखें तो लाइक बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हुए, जैसे ये भी डिमोटिवेट हो गए थे कि जब इनका सिलेक्शन,
तो वो लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या कुछ देखिए सजेशन देना चाहोगे? डीमोटिवेशन का कोई मैं एक आंसर आपको डीमोटिवेशन का मैं आपको कोई एक आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि डीमोटिवेशन जो होता है वो भी अलग अलग कारणों से हो सकता है। जिसका जैसा कारण उसको वैसे ही बात करी जाएगी, उसको वैसे ही समझाया जाएगा। ओके, डीमोटिवेशन सिर्फ यहाँ से होता है, माइंड से होता है, और उसके लिए आपका कारण क्या है, आपको उस कारण से क्या, मान लिया जाए कोई है कि जैसे इनके साथ हुआ, इनकी इनकी तबीयत खराब हो गई, तो इसमें गेम में कोई कमी नहीं थी, ही वॉज देयर इन टॉप 15, बट सिर्फ अपनी इलनेस की वजह से बाहर हुए हैं, कोई इंजरी से बाहर होता है। तो मतलब आपका कहना यह है कि आपको अगर डिमोटिवेट हो तो आपको खुद के अंदर झांकने की जरूरत है, झांकने की जरूरत है कि आपने कहां गलती की है, तो उसको सुधारो। देखिए हर बार गलती नहीं होती है, गिरता हर इंसान है, गिरता है वो चाहिए। देखिए हर किसी का 19-20 रह जाता है, हो जाता है, पीछे रह जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, आप पूर्व भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल ले लीजिए। हाँ। रणजी ट्रॉफी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, रणजी ट्रॉफी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके बावजूद वो कहाँ पहुँचे? हाँ, सही बात। सिर्फ अब सेल्फ मोटिवेशन से, है ना, उनके कोचेज ने भी उनसे बात करी होगी कि आपके गेम में कोई कमी नहीं है, आप कर सकते हैं, करा और आज देखिए। हमारे पास एक और एग्जांपल है, दिल्ली में इस समय रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं कुणाल चंदेला। okay. उनके साथ भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि मतलब वो पहले डीमोटिव, उनके साथ भी बहुत सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हुआ, उन हर सिलेक्शन प्रोसेस में वो बाहर हुए, लेकिन आज वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। ओके चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। आई होप आप तेजेंद्र जी को जो है इंडिया खिलवाएंगे, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो में आने के लिए, एंड बाकी का मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। If you enjoyed it, then don't forget to hit the like button and subscribe this channel and comment भी करो कि कैसा है वीडियो, कैसा लगा आपको। अगर ऐसी अगर वीडियोस और देखने हैं तो विश भी करें इसके लिए। यस, इसके लिए विश जरूर करें। एंड अगर ऐसी वीडियोस अगर और ऐसी वीडियोस अगर आपको और भी देखनी है लाइक इंटरव्यू टाइप की, देन प्लीज़ जरूर कमेंट डाउन करके बोलना। एंड हमारा जो कैमरा मैन है वो हमने बहुत बड़ा सेलिब्रिटी रखा हुआ है, देखो। फाइनली गाइज सपोर्ट पूरा है, घी मक्खन पूरा इसको खिला रहे हैं और ये फाइनली खेलेगा। यस yes. और जब खेलेगा तो मैच की टिकटें हम आपको भेज देंगे।